नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जो 2022 में ITI में एडमिशन लेना चाह रहे थे। फिलहाल 31 जुलाई फॉर्म भरने की जो है लास्ट डेट थी और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर क्या लास्ट डेट आगे बढ़ेगी। तो सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है जो ITI में फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, 31 जुलाई जो लास्ट डेट थी उसको आगे बढ़ा दिया है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को बताता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट scbtup.in है और जैसे ही इस वेबसाइट में आप लोग जाएंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा जहाँ से आप लोग जो है फॉर्म भरते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस मैसेज को पढ़िए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI या फिर राजकीय ITI या फिर निजी ITI के सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश में प्रवेश हेतु आवेदन, यहाँ पर लिखा है कि आवेदन हेतु अंतिम तारीख पहली 31/7/2022 से जनहित में 4 जो है अगस्त 2022 रात्रि के 12 बजे तक विस्तारित की जाती है, मतलब बढ़ा दी गई है। तो जो 31 जुलाई था लास्ट डेट, अब उसको 4 अगस्त तक कर दिया है। और यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाकी आप लोग जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो बढ़ा दी गई है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ITI ऑनलाइन आवेदन करें, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन शुरू जो है 7 जुलाई से हुआ है, 31 जुलाई लास्ट डेट थी, अब वो 4 जो है अगस्त हो गई है। तो जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है भर दें, अब ये लास्ट डेट जो है फर्दर एक्सटेंड नहीं होने वाली है। और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ये जानकारी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।